वेलकम स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम पढ़ चुके हैं एल्केन के बारे में और एल्कीन के बारे में। एल्केन में जितने भी कंपाउंड होते हैं, टोटल कितने कंपाउंड पढ़े हैं एल्केन में? 6 कंपाउंड, और 5 कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं एल्कीन के। तो वन बाय वन इनके नेम देखिए। तो एल्केन का सबसे पहला कंपाउंड क्या है? मीथेन। सेकेंड इथेन। थर्ड वन इज प्रोपेन। नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। तो मीन सबके नेम के लास्ट में आ रहा है एन। और हम जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, दैट इज नोन एज एल्केन। एल्केन के कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे? इसका मिथेन नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ से शुरू होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या पढ़ा हमने? इथीन। द नेक्स्ट वन इज प्रोपीन। द नेक्स्ट वन इज ब्यूटीन। द नेक्स्ट वन इज पेंटीन। द लास्ट वन इज हेक्सीन। ये होगी हमारे एल्केन और एल्केन के कंपाउंड्स। इन सभी कंपाउंड्स के नेम, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर सब बच्चों को याद होने चाहिए, इसे अच्छे से लर्न कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये बिल्कुल बेस है। तो इस लेसन में से लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अपना अच्छे से इस लेसन को प्रिपेयर करें, एक एक चीज़ें बड़े ध्यान से समझते जाएं। जैसे कि आज हमने पढ़ा एल्केन एल्कीन, दोनों पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। जैसे कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था। तो इस तरह से एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।